ऐसा अगर आप भी इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करते हो, जैसे आप इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करते हो या किसी को मैसेज भेजते हो, तो उसको यहाँ पे पोस्ट अनेबल या मैसेज अनेबल का यहाँ पे कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम दिखाता है। तो वो क्यों दिखाता है सारा कुछ, आज की इस वीडियो में आपके सारे डाउट यहाँ पे क्लियर कर रखे हैं। आज की इस वीडियो में सारा कुछ मैं आपको मोबाइल की स्क्रीन पे दिखाऊंगा, ये प्रॉब्लम क्यों आती है और आप उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हो। ये ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, इजिली फिक्स हो जाती है और सारा कुछ मैंने डाउट आपके क्लियर कर रखे हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत जरूर देखना, तभी आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो आप इस वीडियो जरूर लाइक करना और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके जरूर बताना। आपको इस वीडियो में एक नहीं दो नहीं यहाँ पे चार से पांच तरीके बताए जिसकी मदद से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो और इजी तरीके से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसके बाद में आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये वीडियो देखने के बाद में आपको बारीकी से मैं स्टेप बाय स्टेप सारा यहाँ पे डाउट क्लियर करने वाला हूँ, तभी आपको और भी ज्यादा वीडियो सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी यूट्यूब पे जाके कि भाई इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं, कैसे क्या करते हैं। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। सो गाइस, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि मैसेज अनेबल की प्रॉब्लम आपको क्यों दिखाता है। सारा कुछ मैं आपको लाइव प्रूफ करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से आता है। आपके जितने भी डाउट है सारे क्लियर करने वाला हूँ आज की इस वीडियो में, और आपको मैं आज की इस वीडियो में एक नहीं दो नहीं वो भी चार से पाँच तरीके बताने वाला हूँ प्रॉब्लम सॉल्यूशन के। तो सबसे पहले हम आ गए इस अकाउंट के अंदर और आपको प्लस वाले आइकन पर जाना होगा। प्लस वाले आइकन मैंने पोस्ट पर जाना होगा। पोस्ट पर जाने के बाद में किसी भी को एक पोस्ट कर देना होगा। जैसे मैंने इस पोस्ट को ले लिया, तो जैसे मैंने इस पोस्ट को किया तो मैं आपको बता दूं कि मैंने वीडियो पहले शूट कर ली थी, तो वो मेरे से गलती से डिलीट हो गई, तो मैं इसको फिर से शूट कर रहा हूँ, तो इसलिए वीडियो थोड़ा लेट आ रहा है, इसके लिए सॉरी। तो देख सकते हो आप यहाँ से मैंने पोस्ट कर दी। पोस्ट करने के बाद में आपको किसी को भी भेजना होगा। तो जैसे मैं सेंड वाले बटन पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर सेंड कर देता हूँ। जैसे मैं सेंड पर क्लिक करता हूँ तो देख सकते हो अपना फोटो मैंने यहाँ पर सेंड कर दिया। सेंड करने के बाद में आप देख सकते हो यहाँ पर आ चुकी है हमारे पास सिंपल सी यह फोटो। अब यहाँ पे पोस्ट टू अनेबल क्यों बताता है, तो सबसे पहले तो क्या करता है कि सामने वाला बंदा होता है जो भी, तो यहाँ से थ्री डॉट पे जाके, तो यहाँ से मैं थ्री डॉट क्लिक करता हूँ, देख सकते हो यहाँ पे थ्री डॉट पे जाके डिलीट कर देता है। तो इस तरीके से वो डिलीट कर देगा, तब भी आपके पास यहाँ पे पोस्ट अनेबल बताएगा, मैसेज अनेबल बताएगा किसी मैसेज को अगर वो डिलीट कर देता है। तो इस तरीके से बताता है पोस्ट अनेबल टू कुछ करके, और यहाँ पर अगर आप मैसेज करोगे तो मैसेज कुछ इस तरीके से दिखाता है मैसेज अनेबल। तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो आप यहाँ पे कोई भी एक रील देख रहे हो, जैसे आपने यहाँ पे कोई भी एक रील देखा, तो जो भी आपने किसी भी भाई को रील भेजी, या तो वो उस रील को क्या करता है कि वो भाई यहाँ पे डिलीट कर देता है। डिलीट करने से भी आपको ये प्रॉब्लम बता देता है कि फोटो या वीडियो रील अगर डिलीट कर देता है रील वील को, तो ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिल जाती है। अब आपको इसको सॉल्यूशन कैसे करना होगा मैं आपको चार से पाँच तरीके बता रहा हूँ। सबसे पहले तो ये तरीका हो गया कि आपको वो वीडियो कोई रील यहाँ पर डिलीट कर देता है, ये हो गया। सेकंड तरीके की बात कर लेते हैं हम। आपको इसको क्या है कि यहाँ पे जैसे मेरा इंस्टाग्राम है, तो आपको प्लस यहाँ पर क्लिक करके रखना होगा और आई बटन पे चले जाना होगा। आई बटन पे जाने के बाद में आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे स्टोरेज यूजेज का, तो आपको क्लियर डाटा और क्लियर कैच कर देना होगा। क्लियर डाटा और क्लियर कैच करने से आपकी प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी। अगर आपकी प्रॉब्लम फिक्स नहीं होती तो कैसे फिक्स होगी आप मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको अपने इंस्टाग्राम को ओपन कर लेना होगा। इंस्टाग्राम को ओपन करने के बाद में अपने प्रोफाइल में चले जाना होगा। प्रोफाइल में जाने के बाद में अगर आप ध्यान से देखोगे राइट साइड में आपको थ्री लाइन मिलेंगे, थ्री लाइन पर क्लिक करना होगा, नीचे जाना होगा पूरा स्क्रॉल करते हुए। स्क्रॉल करते हुए जाने के बाद में आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। अब आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा हेल्प का, सिंपली से हेल्प में जाना होगा। हेल्प में जाने के बाद फर्स्ट में मिलेगा आपको रिपोर्ट है प्रॉब्लम का। रिपोर्ट है प्रॉब्लम क्लिक करने के बाद फिर से आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर रिपोर्ट प्रॉब्लम विदाउट चेकिंग, इस पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद में आपको फर्स्ट में ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करेंगे तो आप ध्यान से देखेंगे लेफ्ट साइड में आपको एक इमेज दिखाई दे रही होगी जो कि फोटो के साथ में। सिंपली से इस फोटो का क्या करना है, डिलीट कर देना होगा। जैसे आप डिलीट करोगे आपके सामने हट जाएगी यहाँ पे, और फिर से आपको एक ऑप्शन मिलेगा अपलोड का, सिंपली से अपलोड पर जाना होगा। अपलोड पर जाने के बाद में जिस भी फोटो में आपको प्रॉब्लम आ रही थी उसको ले लेना होगा। तो मेरी इस फोटो में प्रॉब्लम आ रही थी, मेरे को स्क्रीनशॉट मैंने ले लिया एक, आपको एक स्क्रीनशॉट ले लेना होगा इजी तरीके से जिस भी प्रॉब्लम आ रही है आपको फोटो में। तो स्क्रीनशॉट लेने के बाद में आपको यहाँ पर टाइप करना होगा डियर इंस्टाग्राम टीम। अगर आपको क्या टाइप करना होगा वो पता नहीं है तो मैं आपको एक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलता है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो कि भाई क्या टाइप करना होगा क्या नहीं करना होगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर टाइप कर देना होगा जो भी आपकी प्रॉब्लम थी, वो यहाँ पर सिंपल तरीके से सिंपल वर्ड में टाइप करना होगा कि हम आपको ये प्रॉब्लम आ रही थी मैसेज अनेबल टू, और यहाँ पे किसी प्रकार का मैंने उसने पोस्ट को डिलीट नहीं किया था, सारा कुछ आपको इंग्लिश में लिख देना होगा। और आपको नीचे थोड़ा सा जाना होगा, नीचे आने के बाद में आपको यहाँ पर टाइप करना होगा थैंक्स। जैसे आप थैंक्स टाइप करोगे
अगर आप बारीकी से देखेंगे राइट साइड में आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेंड का, सिंपली से सेंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे। जैसे आप सेंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम से 1 से 2 मिनट या 3 मिनट 4 मिनट या आधा घंटा 1 घंटा में फिक्स हो जाएगी। अगर आपकी फिर भी प्रॉब्लम फिक्स नहीं होती है तो अगला तरीके की बात कर लेते हैं हम। आपके मोबाइल में हमें प्ले स्टोर तो होगा ही, तो प्ले स्टोर को आपको सिंपली से ओपन कर लेना होगा। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद में आपको ये देखना है कि इंस्टाग्राम में कोई अपडेट तो नहीं आया हुआ है। तो ऐसे में अपना इंस्टाग्राम ओपन करता हूँ और यहाँ पे देख सकते हो मेरे इंस्टाग्राम में कोई अपडेट नहीं आया हुआ है। तो यहाँ पे इंस्टाग्राम में अगर आपका अपडेट आ जाता है या कुछ और समस्या आ जाती है तो फिर भी ये प्रॉब्लम आ जाती है, आपको देखने को मिल जाती है। अब मैं आपको बताऊँगा अगला टिप्स के अंदर आप प्रॉब्लम कैसे फिक्स कर सकते हो। अगर मान लो आपने अपडेट भी कर लिया, रिपोर्ट भी कर दी या किसी भी प्रोसेस को अपना लिया, क्लियर कैच कर दिया, क्लियर डाटा कर दिया और उस भाई ने पोस्ट भी डिलीट नहीं की और मैसेज भी डिलीट नहीं किया और फिर भी आपको मैसेज अनेबल का ऑप्शन बता रहा है, आपको प्रॉब्लम बता रहा है, तो आपको कैसे फिक्स करना होगा सारा कुछ मैं आपको सारा कुछ लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ। आपके जितने भी डाउट है सारे क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो में। तो आपको बैक करना होगा इस तरीके से और जो भी प्रॉब्लम आ रही थी सबसे पहले आपको उसके स्क्रीनशॉट ले लेना होगा। स्क्रीनशॉट मारने के बाद में आपको यहाँ पे सर्च वाले ऑप्शन में आना होगा इंस्टाग्राम में। इंस्टाग्राम में सर्च वाले ऑप्शन में आने के बाद फर्स्ट में आपको यहाँ पे सर्च करना होगा YT विष्णु। आप ID को अच्छी तरीके से देख लेना, फिर आप बोलो कि भाई हमको मिली नहीं ID, आपकी क्या ID है, डिस्क्रिप्शन में नहीं है या आप किसी और पे भी नहीं है। तो अब आपको उसके ID पे आके क्या करना होगा, सिंपल से मैं आपको बता रहा हूँ। मैसेज का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको स्क्रीनशॉट भेजनी होगी। स्क्रीनशॉट जैसे ही भेजोगे आप, उसके बाद में आपको लिख लेना होगा कि भाई मेरे को फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, इंस्टाग्राम लाइट में, इस तरीके से किसी में भी आपको ये प्रॉब्लम आ रही है, मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है, तो भाई बताओ किस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, आप थोड़ा हमारी मदद कर दो, वो कर दो। इस तरीके से आपको करने के बाद में आपको क्या करना होगा कि सिंपली से कुछ भी नहीं करना होगा आपको। यहाँ पे मेरे को भेज देनी होगी फोटो। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि भाई आप जल्दी रिप्लाई नहीं देते हो, वो नहीं देते हो, तो भाई आपको फॉलो करके मेरे को मैसेज करना होगा। देख सकते हो अभी तो मेरी प्रॉब्लम दिखा रहा है लेकिन आपको फॉलो करके मैसेज करना होगा, तभी आपको मैं जल्दी रिप्लाई दूंगा। अगर आप मेरे को फॉलो करके मैसेज नहीं करते हो या आपका कुछ थोड़ा लेट हो जाता है तो फिर बोलते हो कि भाई तूने तो रिप्लाई नहीं दिया, वो नहीं किया, ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं किया, तो भाई आपको मेरे को फॉलो करके मैसेज करना होगा, तभी आपको जल्दी रिप्लाई मिलेगा। अगर आप चाहते हो कि आपको 1 से 2 मिनट के अंदर रिप्लाई मिल जाए तो फॉलो करके अवश्य मैसेज करें, नहीं तो फिर आप बोलते फिरते हो कि भाई रिप्लाई कमेंट करते हो बहुत सारे यहाँ पे कुछ भी, तो जोक सपाट। तो चलिएगा, अब मैं आपको बता दूँ कि किस तरीके से आपको ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी। आपको सारा कुछ मैंने बता दिया और बता दिया क्यों आती है प्रॉब्लम, सारा प्रोसेस भी मैंने बता दिया। तो कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। हाँ, अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है नहीं होती है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे ज़रूर आके एक बार इन्फॉर्म कर देना कि भाई हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, या नहीं भी हुई है फिर भी आप मेरे को इन्फॉर्म करना कि भाई हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं है, आप मेरे को बताओ कैसे क्या कर रहा होगा। दोनों कंडीशन में मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होएगी। तो ये वीडियो मैं वापस से एक बार आपको बता देता हूँ कि मैंने पहले वीडियो शूट कर ली थी, लेकिन आपको मैं फिर से बता दूँ कि मैंने वीडियो वापस से शूट की है। अगर आपको अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज के व्यूज़ बढ़ाने तो वो वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर डिस्क्रिप्शन में नहीं तो आप चैनल में जाकर चेकआउट कर सकते हो अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज के व्यूज़ कैसे बढ़ाए जाते हैं। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तो जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल पर नहीं होता सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लेना।